आजमगढ़ पत्रकार जितेंद्र मौर्य को कोटेदार गुफरान के द्वारा फर्जी तरीके से वसूली के आरोप लगाने के बाद आजमगढ़ कोतवाली में संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ। इसके बाद राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत ने इसकी कठोर निंदा करते हुए एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फर्जी तरीके से पत्रकार जितेंद्र मौर्य पर कोटेदार गुफरान के द्वारा वसूली एवं जूता से मारने की धमकी दी गई थी। उसकी निंदा करते हुए राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के प्रदेश सचिव दीपक उपाध्याय ने बताया कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है और इस तरीके से एक कोटेदार पत्रकार पर बिना किसी तथ्य के फर्जी वसूली का आरोप लगाते हुए जूते से मारने की बात करता है, यह राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत पत्रकार जितेंद्र मौर्य के साथ है। अगर कोटेदार गुफरान अहमद को जेल नहीं भेजा गया तो पूरा राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत आजमगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में विरोध करते हुए आंदोलन करेगा। इसलिए मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे माफिया दबंग प्रवृत्ति के कोटेदार को जो ऑन कैमरा मीडिया के सामने एक पत्रकार को जूते से मारने की धमकी देता है, ऐसे कोटेदार गुफरान को तत्काल सलाखों के पीछे भेजा जाए। इस गुफरान अहमद के कुकृत्य से पूरे पत्रकारों में भारी रोष व्याप्त है कि देश के चौथे स्तंभ को गुफरान अहमद के द्वारा जो धमकी दी गई है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं निष्पक्ष लेखनी को गुफरान के द्वारा प्रभावित किया गया है। इस मौके पर मंडल प्रभारी धर्मेंद्र मिश्रा, विनोद सिंह, अशोक चौहान, दीपक उपाध्याय, ज्ञानेंद्र मिश्रा, जितेंद्र मौर्य, मनोज दुबे, अर्जुन कुमार, सरस्वतानंद सिंह, शशि भूषण शर्मा, शरद गुप्ता, सबलू राजभर आदि काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। मैं दीपक उपाध्याय, प्रदेश महासचिव पत्रकार राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत। क्या मामला था कि पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल कोतवाली पहुंचा था? मामला था एक ज्ञान शिखा टाइम्स के ब्यूरो चीफ हैं जितेंद्र जी, जिनके ऊपर कुछ कोटेदारों द्वारा आरोप लगाया कि ये जो है माफिया टाइप के हैं, इनके ऊपर तमाम मुकदमे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो जिसने आरोप लगाया वो सोशल मीडिया पे इनको धमकी दिया कि पत्रकार को जूते से मारेंगे। सबसे बड़ी जो है अपराध उसने सोशल मीडिया पे किया है कि पत्रकार को जूते से मारने की बात की बिना साक्ष्य के। कुछ मीडिया के लोगों ने भी ये गलती की है कि बिना साक्ष्य के एक मीडिया बंधु को, एक पत्रकार को बदनाम करने के लिए खबर चलाई बिना तथ्यहीन। खबर चलाने वालों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि बिना तथ्य के कोई खबर नहीं चलाई जाती है। आप अगर किसी को जूते से मारने की बात सोशल मीडिया पर फैलाते हैं तो एक तरह से ये किसी की इज्जत को उछालना हुआ, मानहानि का दावा भी इस पर किया जा सकता है। तो कोई भी संस्थान हो, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि खबर जो है सोच समझ के चलानी चाहिए, किसी कहने से कोई चीज नहीं हो जाती है। दूसरी चीज, जो अब आदमी गुफरान अहमद जो कोटेदार है, सुनने में आया है सरामीर का रहने वाला है, उसने इनको धमकी दी। दूसरी बात, कोतवाली मुकदमा के लिए भी कहा है कि कोतवाली मुकदमा करा देंगे, तमाम चीज़ें कही हैं, लेकिन आज हम लोग कोतवाली गए थे, वो आया नहीं है। कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है उसके खिलाफ। दूसरी चीज़, कोटेदार अपनी कमियों को छुपाने के लिए पत्रकारों को टारगेट करना चाहते हैं कि पत्रकारों को हम इस तरह से डराएंगे, गोलबंद होकर के डराएंगे तो पत्रकार डर जाएगा, काम नहीं करेगा, सत्यता नहीं दिखाएगा। तो ऐसा नहीं है, पत्रकार डरने वाला है, पत्रकार काम करेगा, सच्चाई दिखाते रहेगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मुकदमा लिखवाने की बात कही वो खुद अपराधी है। अभी अभी सा हमें सूत्रों से पता चला है कि जिस गुफरान ने धमकी दी उसके ऊपर 302 जैसे मुकदमे भी दर्ज हैं। कसाई का काम करता है वो, लगातार जो है इस तरह की बातें आई हैं, कई लोगों से बात हुई है कि कसाई का काम करता है। तो कोटेदार जो है उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को आप लोग अध्यक्ष न बनाएं कि बाद में आप लोगों को भी दिक्कत हो। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर पत्रकार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी तो पत्रकार एकजुट होंगे और बड़ा आंदोलन भी करेंगे। हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय है धर्मेंद्र मिश्र, ज्ञान शिखा टाइम्स का मैं मंडल आजमगढ़ का प्रभारी हूँ। सर, आज जो है पत्रकारों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो है आजमगढ़ कोतवाली पर जाकर के जो है मिला है, क्या मामला है? पूरा मामला यह है कि यहाँ ज्ञान शिखा टाइम्स के जो ब्यूरो चीफ हैं हमारे जितेंद्र मौर्य जी, उनके ऊपर जो है एक बुखरान नाम का कोई, वह तो स्वतः अपराधी है, जो जानकारी मुझे मिली है कि वो बड़ा अपराधी है, लेकिन वो कोटा वोटा भी चलाता है और चूंकि उसके मूल में ही चोरी है, डकैती है, अपराध है,
तो जो उसके मूल में है वह दूसरे को भी आरोप लगाना चाहता है। जैसा अभी हमने एक आइडियो भी सुना है कि वह गाजीपुर का व्यक्ति है, वह 302 और फला फला में हमारे ब्यूरो को बता रहा है। लेकिन मैं चूँकि मैं मेरा घर गांव मेरा जनपद गाजीपुर है, मैं अपने ब्यूरो के बारे में जानता हूँ कि बहुत सज्जन और बहुत शालीन परिवार के हैं, बहुत सभ्य परिवार के हैं। अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये 302 हैं या बड़ा अपराधी हैं, तो वो जांच करा ले और हम लोग भी उसकी जांच कराएंगे। जब जानकारी मिली है कि वह कसाई है और बकरा भी काटता है, बकरे के बदले जो है वह बकरे के कहीं ना कहीं पीछे वह गौकसी भी करता है, ये जो मुझे जानकारी मिली है, तो मैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से भी कहना चाहता हूँ और SP महोदय से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की बात को संज्ञान में लेते हुए अगर सही हमारी बात है तो उस पर कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई करने में अगर आप लोग हिलावाली करेंगे तो हम लोग इस मामले को और ज़्यादा धार देंगे। मामला बहुत दूर तक भी जा सकता है, मुख्यमंत्री के यहाँ भी हम लोग मिलेंगे, DGP के यहाँ मिलेंगे, सबके यहाँ मिलेंगे। धन्यवाद।